ये मिलन भी कलप के बाद का है, नहीं? कलप कलप हम सब आपस में मिलते हैं और बाबा से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए आते हैं। हम सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम सबको भगवान ने चुन लिया, अपना बना दिया। उसको याद तो करते थे लेकिन मालूम नहीं था कि इस जन्म में हमको वो मिलेगा, हम उनसे मिलेंगे और उनके चरित्रों को देखेंगे, उनका वर्षा पाएंगे, ये मालूम नहीं था। अचानक ही हमने दिल्ली बोर्ड का एग्जाम दिया, उसके बाद हम सत्यनारायण की कथा करते थे, हमने अपने लाइफ में गीता भी पढ़ी थी, भागवत भी पढ़ा था और ग्रंथ साहिब भी पढ़ा था, क्योंकि बचपन से हमारा स्कूल सरदारों का था तो ग्रंथ साहिब की भी काफी बानी हमको समझ में आ गई। सब में एक ही बात, लेकिन जब किसी को समझ में आ जाए तो समझेंगे, नहीं तो हम सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए। तो 1958 में हमने दिल्ली बोर्ड का एग्जाम दिया था और दो चार दिन के बाद सत्यनारायण का व्रत, क्योंकि महीने में एक बार ये दिन आता है, तो हम सत्यनारायण की कथा जरूर करते थे, व्रत रखते और कथा करके प्रसाद भी बनाते थे। और उसके बाद जो हमारे पड़ोस में थे उन सबको हम प्रसाद बांटते थे, यह हमारा नियम था, हमको बहुत अच्छा लगता था। तो अचानक ही हम सत्यनारायण का व्रत पूरा करके प्रसाद बांटने गए, गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, हम ऊपर रहते थे नीचे, और आसपास में जो थे उनको हम प्रसाद। तो हमारे नीचे जो परिवार था हम उनको जब देने गए तो उनके पास उनकी मासी, जो पाकिस्तान से इस ज्ञान में थी, उसका पति और वो सरेंडर थी, अचानक वो आ गई। तो उसने हमसे पूछा कि आप सत्यनारायण को क्या समझ के मानते, भगवान समझ के या अपना बाबा समझ के या अपना पति समझ के, किस रूप में मानते? हमें इतना समझ में नहीं आया, हम तो भगवान समझ के याद करके। तो उसने कहा कि अभी हमारा सेंटर आपकी कॉलोनी में खुलने वाला है, एक सप्ताह के बाद मैं आऊंगी, फिर आप सबको वहां ले चलूं।
सप्ताह पूरा होने में देरी नहीं लगती है, एक सप्ताह के बाद वो आई और हम लोग उस कॉलोनी में जे ब्लॉक में रहते थे। हमारा सेंटर जो खुला वो बी ब्लॉक में था, थोड़ा सा पैदल करना, तो हम लोग वहां पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो योग चल रहा और सब शांति में बैठे थे, लाल लाइट जल रही थी, एक भाई स्टेज पर बैठा था, हम भी शांति में बैठे जाकर के। थोड़ी देर में ऐसा लगा मेरे कानों में कोई आवाज दे रहा है, शांति आपको यहां मिलेगी, शांति आपको यहां मिलेगी, तीन बार ये आवाज। अब कोई बोल तो रहा नहीं था, सब शांति में बैठे थे, तो अब कौन वो आवाज दे रहा है मालूम नहीं। मेरे को लगा शायद भगवान ही दे रहा होगा। तो थोड़ी देर में लाल लाइट बंद हुई और सफेद लाइट हो गई और स्टेज पर एक भाई बैठा था, कुमार था वो। उसने ज्ञान लिया होगा तो उसने अपने क्वार्टर में ये सत्संग आरंभ किया। उसने बाबा की वाणी उठा के सुनाई। अब एकदम वाणी तो समझ में नहीं आती है, थोड़ी बहुत आई होगी पर इतनी नहीं आई। वाणी पूरी करके वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, सर्विस करता था, तो उसने वाणी पूरी की और 5 मिनट योग हुआ। उसके बाद उसको ड्यूटी पे जाना था, ड्यूटी पे चले। अब वाणी हमको इतनी समझ में तो नहीं आई, थोड़ी बहुत आई हो। फिर दूसरे दिन हम गए, लेकिन मेरे कानों में जो आवाज आई थी, हम अपना कार्य पूरा करके बाबा की याद में बैठ जाते थे, भगवान की भगवान कहेंगे, तो ऐसे लगा मेरे से कोई बात कर रहा। जैसे हम ऑनलाइन पे अभी ये एक दूसरे से मिलते हैं और सुनते हैं, ऐसे जैसे बाबा मेरे से ऑनलाइन ही बात कर रहा है, देख तो नहीं रहा है लेकिन कोई मेरे से बात कर रहा है। तो पहले तो ना समझ में नहीं आया, लेकिन फिर हमको लगा कि भगवान के सिवाय और कोई नहीं। तो बाबा ने कहा, बच्ची आपने गीता पढ़ी है? मैंने अपने छोटेपन में ही गीता, भागवत और ग्रंथ साहिब ये थोड़ा पढ़ देते, लेकिन पढ़ने के बाद इतना समझ में नहीं आता, पर कुछ तो बुद्धि में था ही। तो बाबा ने जैसे ऑनलाइन ही ऐसा कनेक्शन जुड़ गया जो मुझे बाबा से डायरेक्ट ज्ञान मिला। बाबा ने कहा, आपने गीता पढ़ी है? गीता में भगवान ने क्या ज्ञान दिया? उन्होंने बहुत सी बातें बताई,
ज्ञान की हर एक बात में बाबा ने संग पर अन्न खाना, संग करना और झूठ बोलना, क्रोध करना, ये सब जो बातें हैं कामन, वो गीता में है। तो बाबा ने कहा वास्तव में मैं तुम बच्चों को इनका रहस्य सुनाता। तो बाबा ने गीता के अंदर संग का, अन्न का और सात्विक भोजन, सब प्रकार की बातें, क्रोध करना, अशुद्ध भोजन खाना, इन सब बातों पर बाबा ने समझाया। तो शिव बाबा हमें पहचान, बाबा की पहचान भगवान बाबा भाई, लेकिन बूढ़े रूप में आता है वो पता नहीं, वो तो बाबा ने कनेक्शन बुद्धि का जोड़ दिया। तो धीरे धीरे बाबा ने हर बात समझाई कि मैंने संग का क्यों बताया है, अन्न शुद्ध खाना क्यों बताया है। तो बाबा ने कहा देखो जैसा संग होगा वैसा रंग, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। इसलिए कहते हैं भाई सत्संग में रहो, अच्छे संग, अच्छे लोगों से संग करो। तो आपका तो अच्छे लोगों से संग है, अपने घर में ही रहते हो, पढ़ाई करते हो, ये भी एक पढ़ाई है। तो बाबा ने संग के पर बताया, बुद्धि का संग भगवान से होना चाहिए। कुछ भी कार्य करो, कार्य करते बुद्धि से याद करो, कार्य तो हाथों से करेंगे ना। और वास्तव में ये शरीर तो विनाशी चोला है, नर नारी की ड्रेस है, लेकिन आत्मा इस शरीर से कार्य करती है, आत्मा ही बोल रही है। आत्मा क्या है? वो ज्योति है जो विरकुटी के सीट पर विराजमान। बाबा दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि भगवान ही मुझे पता। तो संग का ज्ञान दिया, फिर अन्न का ज्ञान दिया, फिर बाबा ने निंद्रा का ज्ञान दिया। मतलब जो जो बातें कामन है, हैं, वो बाबा क्लियर करता है। अब हम लोग नॉन वेज तो नहीं थे, नहीं वेजिटेरियन नहीं थे, हमारा बाप तो खाता था, उसके कारण हमें अच्छा ना भी लगे, हमें पता भी था कि नहीं खाना चाहिए, शुद्ध अन्न खाना, लेकिन हमारा बाप जो हमें खिलाएगा। तो देखा जाए जैसे जैसे हमको बाबा बताता गया, नहीं बच्चे तुम को शुद्ध अन्न खाना है और एक मेरा संग करना है, बुद्धि से मेरे संग में रहना है। तो ये सारी बातें बाबा गीता की है, कभी क्रोध नहीं करना है। और काम की तो बात हम इतनी समझ नहीं पाए, क्योंकि हम कुमारी थे। तो ऐसे करते बाबा सारा गीता का के ऊपर बताया। हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाबा दिखाई नहीं दे ना, पर मेरा कनेक्शन बाबा से जुड़ा। पूरा 7 दिन का कोर्स
बाबा ने मुझे समझाया, मैं समझ गई अच्छी तरह, क्योंकि ग्रंथ में भी ये बातें आती है, गीता में है, फिर भागवत के अंदर भी कई ऐसी बातें हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। भागवत के अंदर एक कथा आती है कल्प वृक्ष की, है एक कल्प वृक्ष। हम सोचते थे कोई वृक्ष होगा, सृष्टि वृक्ष, जिसके नीचे कामधेनु गऊ और कपिलदेव मुनि बैठे हैं और वो सर्व की कामनाएं पूर्ण करते हैं, वो जो ज्ञान सुनाते। हम पढ़ते तो थे पर हमें सोचना कि कोई ऐसी गऊ होगी जो लोगों की बातें पूरी करते हैं। कई फकीर लोग लाते हैं और वो पूछते हैं, तो जब बाबा ने बताया कि कल्प वृक्ष सृष्टि वृक्ष है, इसका बीज रूप में परमात्मा ऊपर और ये वृक्ष नीचे निकलता है, इसमें अनेक धर्म दिखाए जो टहनियां हैं, और कामधेनु गऊ कपिलदेव मुनि ये उसका तना है, तने में वो बैठे हैं। तो माता गऊ नहीं है, गऊ माता नहीं, पर वो रियली मम्मा के लिए, जैसे बताया बाबा ने कि वो सरस्वती है और उसके नीचे कपिलदेव मुनि प्रजापिता ब्रह्मा है। इन दोनों के द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसे सर्व कामनाएं पूर्ण। इसमें अनेक धर्म है। तो बाबा ने जब ये सारा वर्णन किया तो हम बहुत नाच उठे, बहुत हमारा मन जैसे नाच उठा। कितना रहस्य है, जिस रहस्य को भगवान ने बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल 7-8 दिन में बाबा ने मेरा कोर्स ऑनलाइन पूरा किया। मुझे समझ भी आ गया परमात्मा बूढ़े ब्राह्मण के तन में आया है, उसके द्वारा वो ज्ञान दे रहा है। ये वही सत्य नारायण की कथा है, सत्य परमात्मा हमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाता है। हमें बड़ा नशा चढ़ा, हम घर घर में गलियों में बहुत लोगों को ज्ञान सुनाते, बहुत नशा चढ़ा। सब काम करते थे, हमारी माँ ठीक नहीं होती थी लेकिन हम टाइम निकाल के सब कुछ कर। आप देखिए हमारा परिवर्तन है? तो साल भर हम वहां जाते रहे, क्लास में ज्ञान तो बाबा ने हमको ऑनलाइन बता दिया। दीदी जब आप कहते हैं ऑनलाइन माना, ऑनलाइन माना, आपको किसी बहन ने या निमित ने ज्ञान नहीं सुनाया, आपको अपने आप किसी भाई ने, बहन ने, किसी ने नहीं दिया, पर डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन जुड़ गया। और बाबा ने बुद्धि द्वारा ही मुझे समझाया, मैं समझ गई। तो किसी भाई बहन से मैंने कोर्स नहीं किया, लेकिन जो मैंने पढ़ा हुआ था गीता में, भागवत के अंदर, ग्रंथ साहिब भी कुछ जाता था, तो वो सारा सार बाबा ने मुझे समझा। मैं वही सत्यनारायण हूं स्वामी, जो बूढ़े तन में अभी फिर से आया हूं और फिर से मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। तो इस बात को समझ करके मैं बहुत नशे में रहती, सारी घर का काम करते थे, लेकिन जैसे लाइट करती है ना, आजकल सब काम लाइट से हो रहे हैं, ऐसे ही मेरी हालत थी। मैं ज्योति हूं
और इस शरीर के द्वारा मैं सारा कार्य कर रही हूँ। बहुत जल्दी से सब काम हो जाते, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं काम करती हूँ, और बड़े नशे में खुशी में रहती। सबको कहती थी भगवान आया है, भगवान ज्ञान दे रहा है, हाँ? तो हमारा सेंटर तो था ही, हम उनको वो एड्रेस भी देती थी, और एक साल तक तो हम वहां पर जाते रहे। एक साल के बाद हमारे नीचे ही जिनके साथ हम गए थे वहां उन्होंने अपने घर में खोल। वो घर किसका था? वो घर था मोहिनी बहन का, न्यूयॉर्क वाली मोहिनी बहन। हाँ, वो तीन बहनें थी, एक भाई था, उनकी माँ थी, वो वहां रहती। तो उनकी वो मासी थी जो आई थी, जिसने आकर उस दिन बताया। तो आप देखिए, हम सब उनके साथ सेंटर पे गए थे और हम सब ने कोर्स किया। उन्होंने तो कोर्स किया, हमने कोर्स नहीं किया, क्योंकि हमें तो बाबा ही मिल गया, बाबा ने बुद्धि द्वारा हमें दे दिया सारा। और हम मोहिनी बहन को बोलते थे बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान समझाया। चलो, उनके घर में आ गया। उनकी वो मासी थी जो पाकिस्तान से सरेंडर थी यज्ञ में, तो उन्होंने जब अपने घर में खोला ना, तो हम ऊपर रहते थे, वो नीचे रहते। अचानक वीरवार का दिन था, तो हम सब में ट्रांस में जाते थे, ध्यान में। तो बाबा मोहिनी बहन ने, मतलब उन्होंने कहा कि आज आप भोग लगा। तो हम जैसे ही बैठे बाबा के याद में, एकदम ऐसा लगा कि हमारे तन में वो ज्योति आई, शिव बाबा है, और ऐसे हमारे नैनों से लाइट सबको मिल रही थी, जैसे टॉर्च लाइट है। और माताओं को बहुत अच्छा साक्षात्कार हुआ, शिव बाबा आ गया, ज्योति आ गई, उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन बाबा बोले नहीं कुछ, बस बिल्कुल सबको ज्योति जैसे दिखी और अच्छा लगा, बड़े खुश हो गए सब। बाबा ने कहा मैं कल आऊंगा, बस सिर्फ बाबा अपना साक्षात्कार करा के गया। चलो, फिर दूसरे दिन बाबा आए, बाबा ने थोड़ा ज्ञान की बातें बोली, ऐसे करते हुए बाबा 10 दिन हमारे तन में आए। इतने इस बीच में मम्मा दिल्ली में आ गई, पहली मुलाकात हमारी मम्मा से। तो मम्मा को पता चला कि यहाँ पर हमारा नाम सुंदरी है, तो इनके तन में बाबा आया आ रहा है। मम्मा का आई हमारी बाबा, क्योंकि वैसे तो सब रजौरी गार्डन में ज्यादा करके उतरते थे, तो मम्मा ने वहां पर आई। आई तो सुबह के टाइम जैसे हम क्लास में जाते थे, हम गए और मोहिनी बहन ने कहा आप बैठो गद्दी पे, बाबा आएगा, बाबा बोल के गया है। तो हम बैठे, सभी योग में बैठे, गीत चलाया। आप देखिए, जब मम्मा आई थी तो एक रिकॉर्ड निकला था, कौन पिता है कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता।
शायद आप लोगों ने सुना होगा वो गीत, नहीं बहुत अच्छा गीत था। ऊपर उजाला अंदर काला, ये दुनिया मकड़ी का जाला, उलझ उलझ कर रह जाता जो इन कारों में घर है बनाता, छोड़ दे बालक जग से जाता। तो मम्मा से वो उस गीत का रिकॉर्ड का ओपनिंग कराई। दूसरे तरफ उसका गीत था, धीरज दर वनवा धीरज दर, तेरे सुख के बड़े दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल मिट जाएंगे। बहुत अच्छे गीत, दोनों गीत बड़े अच्छे थे, हमें याद भी हो गए थे। हम कह रहे थे देखो कैसे बाबा ने मम्मा के आगे ऐसे रिकॉर्ड आ गया। तब तो ग्रामोफोन पर ही रिकॉर्ड चलते थे, टीवी वगैरह या वो तो थे ही नहीं, तो ग्रामोफोन पर ही चलाते थे। बहुत सब लोग बड़े खुश हुए। मम्मा भी फिर उस गीत पर ही वाणी चलाई, वाणी पूरी हुई, भोग भी लग गया। मम्मा ने पूछा बाबा कैसे आता है? अब मैंने कहा मम्मा मुझे क्या पता, बस ऐसे लगता है जो कोई लाइट आ गई, लाइट आ गई। तो वो बड़ी लाइट थी ना, मैं छोटी लाइट, वो बोलने लगे बाबा बाकी मैं क्या दिखाऊं, ये देखने की चीज तो थी नहीं। मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है। तो इस तरह से पहली मुलाकात हमारी मम्मा से हुई, और मम्मा को देखकर हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो ही काम देनु गौ जो भागवत में हम पढ़ते थे, कपल देव मुनि और कामधेनु गौ वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो वो ही आज हमको मिली है, हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बहुत अच्छा मम्मा को देख करके ना, बहुत मम्मा सिंपल और सब मुस्कुराहट उसके चेहरे पर, थोड़ा सा कद भले छोटा था लेकिन बहुत अच्छा जगदम्बा। तो इस तरह मम्मा से तो मिले, फिर बाद में बाबा भी आए, मधुबन से बाबा भी आए, बाबा से भी मिले। तो बाबा से जब हम मिले, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर आया, कंचन मैल किया, ये हम सत्यनारायण की कथा में पढ़ते थे, तो वो वही मेरे सामने आए हैं। हम बाबा तो रजौरी गार्डन में ही आए, वहां पर जब हम गए और बाबा के सामने आए, बिल्कुल वही बाबा हमें जो सत्यनारायण की कथा में हम पढ़ते थे। बहुत बाबा दृष्टि दे रहे हैं और हमको कहते हैं बच्ची तुम ध्यान में जाती हो? मैंने कहा हाँ बाबा। बाबा ने कहा अच्छा चलो जाओ हम रास करते हैं। तो बाबा ने हमारी, तब सलवार कमीज पहनते थे, बाबा ने हमारी चुन्नी ऐसे करके बांधी और दृष्टि दी, हम ध्यान में चले गए। बाबा ने हमारे हाथ पकड़े चलो रास करते हैं। तो ऊपर तो कृष्ण और नीचे ब्रह्मा बाबा, ऊपर कृष्ण था तो हम कृष्ण के साथ ही रास कर रहे हैं और नीचे तो ब्रह्मा बाबा का हाथ। तो ये देखकर बड़ा वंडर, क्योंकि वही आत्मा कृष्ण बनने वाली है। तो बहुत अच्छा हमको बाबा ने, फिर हम नीचे आए तो बाबा ने बहुत गले लगाया और कहा बच्ची अच्छा तुम बिछड़ गई थी, तुम मिली आकर, अच्छा अब आते रहना। और अब आप देखिए जब हमारा सेंटर मोहिनी बहन के यहाँ आया तो हमारा बाप को पता चल गया कि ये ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान पाकिस्तान से, वहां बहुत माताएं कन्याएं भाग गई थी घरों को छोड़कर। अब मेरी कन्या तो उनको लोगों ने भड़काया कि तेरी लड़की चली जाए, छोड़ के जाएगी। मैंने कहा नहीं, वहां ऐसा नहीं सिखाते हैं, हम कहां छोड़ के जाएंगे।
चलो इस पर हमारा थोड़ा सा वो चला बाप के साथ, लेकिन मैंने कहा देखो हमें अगर जाना होता ना तो 1 साल दूर जाते रहे तब जा सकते थे, अब तो हमारे नीचे है, ऊपर से नीचे हम क्लास करने हैं, कहाँ जाएंगे हम? आपको अपने बच्चों पर विश्वास होना चाहिए। तो थोड़े तो शांत हुए, लेकिन लोग उनको छोड़ते नहीं है ना, लोगों को काम ही क्या है, हैं? बातें करने का मौका मिल जाता है। तो चलो बाबा से मिले, बाबा ने गले लगाया, बहुत खुश हुआ। और फिर हम तो बाप को बता के नहीं आए थे, जल्दी जल्दी फिर निकल आए, हम बसेस थी तो आ गए। आप देखो हम बाबा से भी मिले, मम्मा से भी मिले, अब हमारी असली आगे यात्रा तो लंबी थी। हम मधुबन जब गए तो हमने क्या देखा, मम्मा जो है दूर से ही, अभी गेट से अंदर आई थे तो मम्मा दूर खड़ी थी, मम्मा को फ्रॉक और पजामा, चुन्नी भी नहीं, फ्रॉक पजामे से, जैसे कन्याएं अपने घरों में होती है नहीं, ऐसे ही मम्मा जैसे अपने मधुबन में फ्रॉक और पजामे से खड़ी। कद छोटा था मम्मा का, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था, देखो मम्मा बिल्कुल साधारण रूप में, हाँ हम तो जानते हैं मम्मा है, दूसरा कोई तो नहीं जानता ना। तो चलो फिर हम स्नान पानी करके मम्मा से भी मिले और बाबा से भी मिले। जब हम बाबा से मिले तो बाबा एक पहाड़ी के नजदीक ही बैठे थे, अंदर भी तब पांडव भवन बहुत छोटा था, तो बाबा वहां बैठा था। बाबा ने कहा बच्चे आ गए हो? अच्छा, बाबा ने हमको गले लगाया, लेकिन ऐसा प्यार किया जो हम खो गए, ऐसा हमारे मां बाप ने कभी नहीं किया, हम खो गए बिल्कुल। बाबा से ने जैसे बच्चे, छोटे बच्चे को हम छाती से लगा के चूमते हैं ना, बिल्कुल ऐसे मेरे को पकड़, ऐसे काफी देर तक दृष्टि देता रहा, गले लगाए रखा, वो मैं भूलती नहीं हूं, इतना प्यार। और बाबा भी जैसे ना उस प्यार के उसमें खोए हुआ, और थोड़ी देर के बाद वो बड़ी दीदी को बुला रहे हैं, दीदी दीदी ये वही सुंदरी है, ये वही सुंदरी है। कौन सी सुंदरी हूं मैं तो पूछना भी भूल गए। बाद में पहले तो मैं भी बाबा के प्यार में खोई हुई थी, जैसे बच्चा अपने माँ को छाती से चिपकाता ना, ऐसे ही बाबा ने हमको अपने गले से लगाया और हम देख रहे हैं, बाबा भी हमको दृष्टि दे रहा है, मैं भी दृष्टि ले रही हूं और प्यार में खोए। लेकिन बाबा को मैं ये बोलता हुआ देखा कि बाबा दीदी को बुला रहा है, दीदी ये वही सुन रही है, आ गई है हमारे पास, सुन रही है। उसके बाद बाबा ने जैसे ही फिर वो उस प्यार से नीचे आए, तो मैं भी भूल गई बाबा से पूछना, बाबा मैं कौन सी सुंदरी थी, लास्ट तक नहीं पूछा। ऐसे हम प्यार में खो गए, वो दृश्य अचानक बढ़िया। फिर तो हम 5-6 दिन वहां रहे, दीदी से मिले, दादी मम्मा से। तब मधुबन में थोड़े भाई बहन थे ना, तो जगह जगह बाबा के झूले लगे हुए,
किचन के पास और दो तीन झूले, तो बाबा जब फ्री होते थे क्योंकि बाबा पत्र वगैरह लिखते थे, कोई बच्चे से मिलते भी थे अलग से, तो फ्री होते थे बाबा कहते थे अच्छा बच्चे आओ आज हम बाबा मम्मा के साथ झूला झूलेंगे। तो बाबा का और मम्मा दोनों साइड में बैठते थे और हम बच्चों को टर्न बाय टर्न थोड़ा झूला कर फिर उतारते फिर दूसरा बैठता, इस तरह से। तब भाई बहन भी थोड़े होते थे और पांडव भवन भी छोटा था, तो इस तरह से बहुत बाबा ने हमको मधुबन के अंदर प्यार दिया। आप देखिए हम सचमुच ही अपने शारीरिक लौकिक मां बाप का प्यार नहीं पाया था, क्योंकि बचपन से ही हमारी माँ बीमार रहती थी, वो कुछ नहीं कर पाती और बाप थोड़ा जोशीला था। तो हम अपने ही उस रूप से पलते रहे। बाबा का वो प्यार झूले में भी रहे, झूलाया, और 5 दिन तो बहुत जल्दी बीत जाते हैं। 5 दिन में एक दिन ब्रह्मा भोजन हुआ, ब्रह्मा भोजन जब हुआ तो बाबा मम्मा के साथ छोटा हाली था, जहां भी डिस्पेंसरी है ऑफिस है वो छोटा हाल था तभी। तो बाबा ने कहा भाई आज ब्रह्मा भोजन है, बच्चों को बाबा मम्मा के साथ भोजन खाना है। और वीरवार के दिन भोग लगता है पहले सुबह को, तो जो संदेशी भोग लगाती है वो ऊपर गद्दी पर बैठती है और बाबा मम्मा नीचे बैठती है, दृष्टि देते थे। और बाबा कहता था बच्ची एक दिन पहले, वीरवार को भोग लगता है, बुधवार के दिन बाबा कहता था बच्ची बाबा को निमंत्रण दे के आना, बाबा कल वीरवार है आपको आना है। तो बुधवार के दिन बाबा को निमंत्रण देते थे और वीरवार को सुबह को भोग लगता था। तब यज्ञ में इतना कुछ नहीं था, पीपल के पत्ते भाई लोग तोड़ के आते थे, उनको साफ करके रखते थे, उसी में सबको भोग मिलता। तो जो संदेशी भोग लगाती थी बाबा उनको कहता था एक दिन पहले बाबा को निमंत्रण दिया ना, फिर सुबह को भोग की तैयारी होती। तो जैसे ही संदेशी ऊपर बैठती थी बाबा मम्मा नीचे बैठते, और बाबा कहता था बच्चे जाओ अब बाबा को भोग लगाओ, गोसुन कम सुन भोग लगा के जल्दी आना, जल्दी जाओ और जल्दी आ जाओ। तो बाबा दृष्टि देता, संदेशी ध्यान में चली जा। ध्यान में जाने के बाद थोड़ी देर में ही अगर वो संदेशी देर लगाएगी ना, तो बाबा सोचता था बच्ची कहाँ घूमने गई है बाबा के पास नहीं पहुंची है, वो घूमने गई है। तो बाबा कहता था फिर दूसरी संदेशी को भेजना पड़ेगा, कहाँ गई वो आप देखिए बाबा बहुत मजाक भी करते थे और प्यार भी बहुत करते थे। तो इस तरह से संदेशी भोग लगा के आई, फिर बाबा मम्मा दोनों उठ के, मम्मा पहले जल पिलाती थी संदेशी को,
उसके बाद बाबा भोग देता था, कभी बाबा जल पिलाता था तो मम्मा भोग देती थी, पहले संदेशी को देती थी उसके बाद सबको मिलता, बाबा मम्मा सबको भोग देती थी। और बाबा की वाणी पहले चलती थी उसके बाद भोग लगता था, तो ऐसे करके बहुत अच्छा दृश्य लगता था। फिर दिन में ब्रह्मा भोजन होता था, ब्रह्मा भोजन भी तैयार हो जाता उसी हॉल में, नीचे बैठकर सब खाते थे। तो जब ब्रह्मा भोजन बनकर आता था सबकी थालियां लग जाती थी और बाबा मम्मा भी आ जाते थे, तो बाबा कहते थे अच्छा भाई आज बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन खाना है। तो बाबा ने पहले भोजन आ गया बाल्टियों में डलकर सबके थालियों में आया, तो फिर बाबा ने बाबा मम्मा का भी आया। बाबा ने कहा अच्छा भाई सब श्री बाबा के याद में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करें। लेकिन फिर बाबा ने कहा अच्छा मम्मा आज ये नए बच्चे भी आए हैं, आप वो खिलाओगे अपने गिट्टी खिलाओगे अपने हाथ से? मम्मा ने कहा जैसे कहोगे आप बाबा। मम्मा भी बाबा के आगे बिल्कुल बालक के रूप में रहती थी, बाबा कुछ भी कहता था तो मम्मा जी बाबा कहती थी, जी बाबा और कोई शब्द नहीं। तो बाबा ने कहा अच्छा ऐसे करते हैं आज आप भाइयों को खिलाना गिट्टी अपने हाथ से और मैं बहनों माताओं को खिलाऊंगा। तो बाबा चिटचैट भी बहुत बहुत करता था। तो ऐसे करते बाबा ने और मम्मा ने शुरू किया खिलाना, एक एक गिट्टी सभी को खिलाई। फिर बाबा ने कहा अब सब अपने अपने भोजन शुरू करो, बाबा मम्मा भी शुरू करते। फिर उन्होंने बाबा मम्मा ने भोजन खाया, हम सभी ने खाया। भोजन खाने के बाद बाबा ने कहा आप सब खा करके वहां बाबा के कमरे के बाहर आना, बाबा आप सबको 5 सुपारी खिलाएगा। तो हम लोग सोचते थे पता नहीं 5 सुपारी कैसी खिलाएगा, शायद वैसा पान जो दुनिया में बिकता है लोग ले खाते हैं वैसा होगा क्या। तो हम लोग सभी बाहर खड़े हो गए, खाना खा के आ गए और बाबा मम्मा भी आ गए। तो 5 सुपारी क्या था, सब लाइन में खड़े हो गए लाइन में। ये मीठी छोटी छोटी गोलियां होती हैं, कुछ पत्ते थे कुछ ऐसे मिक्सचर सा जो जानकी दादी बाबा को पूना से बेचती थी। तो वो लास्ट में बाबा ने सबको अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा दिया, सभी ने वो खाया। ऐसे करते हुए बाबा बहुत मजाक से, और बाबा मम्मा आप देखिए जब रात को हम लोग सोते थे ना, तो एक बहन सामग्री जलाकर पूरे कमरों में सामग्री का खुशबू जला के ले जाती थी और फिर आ जाती। बाबा कहता था देखो तुम देवताएं हो ना, देवता बनने वाले हो ना, तो देवताओं को वास धूप करते हैं ना, नहीं तो अब तुम सोओगे कमरों में तो तुम देवताएं सोओगे ना, तो वास धूप आपको करेंगे, इसीलिए ये सामग्री जलाते हैं, है? तो आप लोग अच्छी तरह से सोना, देवता समझ के अपने को सोना, है? बाबा तुमको देवता रूप में देखता है। तो ऐसे करते बाबा, और देखना कि तुम कौन सी नींद में सोते हो। गीता के अंदर निंद्रा का भी ज्ञान है, आप लोगों ने अगर पहले पढ़ी होगी
तो पता हो को नहीं, हमने जो पढ़ी थी उसमें आता है, क्योंकि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा, वैसी नींद आएगी, हाँ निंद्रा के अंदर वो स्वप्न आएंगे, आते हैं ना। तो बाबा ये बात समझे, बाबा ने कहा अच्छा, कभी कभी बाबा मामा रात्रि में आधी रात आते थे बच्चों के पास, क्या करने, देखने कि बच्चे कौन सी नींद में सो रहे हैं, सात्विक नींद में सो रहे हैं, राजसी नींद में है या तमोगुणी नींद है। सात्विक नींद क्या है, उसमें भी नींद में भी जैसे जागृति सोए हुए हैं, लेकिन जैसे इनर जागर। तो बाबा मम्मा कभी कभी कमरों में आती थी, अच्छा कोई नहीं भी बंद करते थे, कोई अंदर से बंद करके सोते हैं। तो जब बाबा मम्मा कमरे में आने लगते हैं तो जो सात्विक नींद में है उनको पहले से ही पता चल जाता था बाबा मम्मा आए, अभी पहुंचे नहीं दरवाजे पर उनको नींद खुल जाती, पता लग जाता। और जो रजोगुणी नींद है वो बाबा मम्मा पहुंच गए पहले, जो खटिया है उसको पता चल गया, दूसरी को बाद में आने के बाद पता चला, और तीसरे को कुछ नहीं पता। और ये वो तमगुण नींद, तो हमने तो गीता अच्छी तरह से पढ़ी हुई थी, तो ये सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी ये नींद का ज्ञान है, जो बाबा गीता में भी आता है, बाबा ने प्रैक्टिकल दिखा दिया। तो बाबा इसीलिए बाबा कहता था बच्चे तुम जितना बाबा के याद में हर कार्य करोगे, भोजन बनाओगे, भोजन खाओगे, तब आपकी निंद्रा सतोगुणी। और नींद में भी जैसे तुम जगे हो ऐसा। तो बहुत सी बातें बाबा बच्चों को, और फिर जब बच्चे जाते ग्रुप जाने लगता है तो भाई आज जो भी जा रहे हैं वो बाबा से गोसुल कमसुल की टोली खाएंगे, टोली मिलेगी। और उस समय एक गीत बजता था, भगवान तेरे घर से आ सिंगार जा रहा है। जब वो गीत बजता था कि भगवान तेरे घर से घर का सिंगार जा रहा है, तो सब रोते थे, सब रो पड़ते थे। अरे बच्चे अभी फिर जाओगे फिर आओगे, जाना आना तो रहेगा, सदा तो नहीं बैठेंगे ना, आप जाओगे दूसरे आएंगे, थोड़े टाइम के लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो रोने की बात ही नहीं, लेकिन बाबा का इतना प्यार जो था वो रुला देता था है? और फिर पान सुपारी तो खिलाई, बादाम इलायची मिश्री, ये था पान सुपारी है? तो जब हम जाते थे पीछे के तरफ, पीछे के गेट से पांडव भवन की, तो बाबा मम्मा दोनों चलते, मम्मा चलो बच्चों को पीछे तक छोड़ के विदाई के। तो वो बड़ का एक पेड़ अभी भी है वो पीछे के गेट से, तो वहां तक बाबा आते, पीछे से हम लोग जाते। तब तो बैलगाड़ी होती थी या माइयां लेके आते थे सामान, ज्यादा कुछ नहीं था। कभी बैलगाड़ी होती थी तो वहां बस स्टॉप पर आज भाई सामान उसमें आएगा और हम पैदल आएंगे, ऐसे।
जब बाबा वहां छोड़ने चलती थी तब और बच्चे रोते थे, अरे बच्चे तुम जा कहाँ रहे हो, घूमने जा रहे हो, जाकर फिर आना है ना। तो ऐसे करते हुए रुमाल ले लाते थे, रुमाल से टाटा हैं बाबा जा रहे हैं, बाबा भी अपना रुमाल ले लाता था। तो ऐसे करते हुए बाबा मम्मा दोनों बच्चों को विदाई देकर और फिर दूसरी पार्टियां आती थी। तो इस तरह बाबा मम्मा की ये जो भागवत में हमने पढ़ा कामधेनु और कपल देव है, वो हमें प्रैक्टिकल मिला इस जीवन में और इतना कुछ हमको दिया। बाकी तो बहुत बड़ी कहानी है। हाँ, कितने साल हो गए हम 61 में मालवीय नगर में आए। उससे पहले बाबा ने हमारा बाप नहीं मानता था, वो हमें शादी कराने के लिए बहुत तंग करता था। फिर बाबा ने हमारी शादी कराई, वो भी बड़ी कहानी है। तो 61 से हम मालवीय नगर में आए और किसे शादी कराई, मोहिनी बहन के भाई से। वो एक भाई उनका था, अरे बाबा कहते हम कहते थे हमारे ख्यालात का लेके देव गए तो करेंगे नहीं तो नहीं। तो तीन पार्टियां तो ऐसी आई जिन्होंने कहा हमें पसंद नहीं है लड़की, आंखें टेढ़ी है। हमने कहा आंखें टेढ़ी तो नहीं थी पर बाबा ने दिखा दिया होगा ताकि पसंद नहीं आए। हम बाबा को कहते थे आपका काम है चाहे मुझे खड्डे में डालो चाहे खड्डे से निकाल, मैं ना जानू। तो सचमुच बाबा ऐसा दिखा दे, फिर करेंगे कैसे। बाबा ने कहा एक ही रास्ता है वो कुमार है, चलो बाबा की बच्चा है तो बाबा कराता है। तो धीरे धीरे हमारा बाप मानने वाला नहीं था, फिर मान लिया, उसी से ही बाबा ने कराई। तो हम लोग यहाँ पर पहले तो विदेश में भी बहुत है आए, हम लोग बहुत देशों में गए और भारत के भी बहुत शहरों में। बाबा ने हमको हर हफ्ते में कहीं ना कहीं भेजता था, नए सेंटर खुलते थे दादियों के साथ बाबा के पास। इस तरह से हमारे लाइफ के कितने वर्ष बीत गए, 58 से लेकर आज 2021 हो गए। कहानी बहुत अंदर लंबी है, दादियों के साथ सबके साथ बहुत शहरों में गए, सेंटर्स खुले, बहुत अच्छा बाबा ने चांस। ओम शांति, अभी आपका टाइम हो गया है।